अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खैरियत से रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट आलू के पूरी पराठा की रेसिपी। तो पराठे आलू के तो सदियों से बनते चले आ रहे हैं, नानियों दादियों के ज़माने से, और हर घर में बनते हैं। लेकिन मैंने की है इस सिंपल रेसिपी में वेरिएशन और इसे बना दिया है बहुत ख़ास। तो जिस तरह के पराठे हम खाने जाते हैं बाज़ार में बहुत ही मज़ेदार, वो आज बनेंगे घर में सिंपल सी रेसिपी के साथ। देखते रहें इस वीडियो को एंड तक और फॉलो करें मेरी रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बनाएंगे पहले पूड़ी के लिए डो। हमने तो ये पराठे बनेंगे आज मैदे से। तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया है और इसे मैंने ऐड कर देना है 1.5 टीस्पून नमक का। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून तकरीबन इसमें चीनी मैं ऐड करूंगी। तो ये पूरी की डो रेडी होगी, घर के पराठे की डो से बिल्कुल डिफरेंट। नॉर्मल पानी से हमने इसे गूंदना है, गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे बहुत सॉफ़्ट नहीं रखना, दरमियाना इसको रखना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त। तो जब ये डो तैयार हो जाए इसे हमने छोड़ देना है तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। अब तैयार करते हैं आलू की फिलिंग। तो आलू की फिलिंग मेरी थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ जिसकी वजह से बहुत ही यमी और बहुत ही करारे आलू के पराठे बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। 5 से 6 आलुओं को मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूंगी तमाम स्पाइसेस। तो सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून, इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करूंगी मैं। और इसके साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, जीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया पिसा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून, फ्रेश धनिया, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, अजवाइन जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा अदरक मैं इसमें एक टुकड़ा जो है छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने क्रश करके रखा होता है, ये मैं ज़रूर आलू के पराठों में ऐड करती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, अदरक की वजह से ये बहुत ही करारे बनते हैं और जो आलूओं की फैट होती है इसमें, स्टार्च होती है, वो भी इसमें नुकसानदेह नहीं होती। अदरक की वजह से ये पराठे भी हमारे बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो पराठों की ज़बरदस्त सी और यमी सी फीलिंग हो चुकी है रेडी। अब हम बनाएंगे मज़ेदार से और क्रिस्पी पूरी पराठे। तो देखते हैं अपनी डो हमारी तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, इसे दोबारा अब हमने गूंदना है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ। इसे बहुत अच्छे से दोबारा गूंदना है, ऑयल इसके अंदर जज्ब होना चाहिए तभी हमारा पराठा बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो डो रेडी हो चुकी है, बनाते हैं। छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं, जितना बारीक पराठा होगा उतना ही खस्ता बनेगा। तो बारीक पराठों के लिए हमें बहुत छोटे से पेड़े लेने हैं और इन्हें बेल लेना है। और इसमें बाकी प्रोसेस सेम है जिस तरह हम घर में आलू के पराठे बनाते हैं, फिलिंग आलू की इसमें ऐड करके। कई लोग सिंगल पराठे की डो की बनाते हैं, मैं डबल डो की बनाती हूँ, नीचे भी और ऊपर भी। तो जस्ट इसमें फिलिंग डाल के और इसको अच्छे से बंद करके हमें बारीक बेलना है। तो आज की रेसिपी में है कुछ डिफरेंट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिफरेंट रेसिपी को और अपने सिंपल आलू के पराठों को बनाएं मज़ेदार और ख़ास। तो सर्दियों में वैसे ही आलू के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये चीज़ें हमारी डेली रूटीन की अगर थोड़ी सी हम इसमें वेरिएशन करें तो बहुत ही यमी बनेंगी और घर वालों को डिफरेंट टेस्ट देंगी। तो पराठा हमारा हो चुका है रेडी, बहुत ज़्यादा बारीक, इसको थिन हमने बेलना है क्योंकि मैदा है, इसने दोबारा सिकुड़ना है। तो जितनी दफ़ा आप इसको बेलेंगे थोड़ा थोड़ा ये दोबारा सिकुड़ेगा। ज़्यादा अच्छी तरह से बेल लें और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वान्टिटी से घी ज़्यादा रखेंगे, पूरी पराठा है तो इसको खस्ता बनाने के लिए हम इसे फ्राई करेंगे अच्छी क्वांटिटी में घी के। और पराठा हमारा मज़ेदार सा यमी सा हो चुका है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। इसे हम सर्व करेंगे अचार के साथ और दही की सब्ज़ धनिए वाली चटनी के साथ।
तो इंजॉय करें आज की रेसिपी और देखें कितना बारीक और खस्ता ये पराठा बना है, बहुत ही यमी और इसकी फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।